अस्हाबे कहफ कौन थे? अस्हाबे कहफ के माना गार वाले के हैं। ये चंद सच्चे मोमिन नौजवान लड़कों का किस्सा है जिसको कुरान पाक में सूरह कहफ में बयान किया गया है। आज से सैकड़ों साल पहले किसी मुल्क में एक मुशरिक और जालिम बादशाह था। वो खुद भी अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करता था और दूसरों को भी बुतों की पूजा का हुक्म देता था। जो ऐसा नहीं करता उसको सख्त सजाएं देता। उसकी सल्तनत में कुछ नौजवान लड़के जिनकी तादाद तकरीबन 7 थी, अल्लाह ने उनको सीधा रास्ता दिखाया। ये अल्लाह को मानते और बुतों को पूजने को बुरा समझते थे। उनके माँ बाप ने उनको बहुत समझाया कि बादशाह को अगर खबर हो गई तो तुम लोगों को कत्ल करा देगा, लेकिन उन बच्चों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत घर कर गई थी। माँ बाप की भी ना सुनी और अल्लाह की तारीफ ऐलानिया करने लगे। आखिर एक दिन बादशाह को खबर पहुंच गई। लड़के डर की वजह से एक पहाड़ की गार में जाकर छुप गए। उनके साथ उनका कुत्ता भी था, वो भी साथ चला गया। दोस्तों, जब कोई शख्स अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है। जब ये गुफा में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उनको गहरी नींद में सुला दिया और कुत्ता गार के मुंह पर बैठ गया। उसको भी अल्लाह ताला ने सुला दिया। अल्लाह ताला ने अपनी निशानी और लोगों को अपनी कुदरत दिखाने के लिए इन 7 लोगों को 300 साल तक सुलाए रखा। इस अरसे में पता नहीं कितने बादशाह ख़त्म हो गए, ज़माना बदल गया, लोग बदल गए। 300 साल बाद अल्लाह ताला ने उनको थोड़ी देर के लिए जगाया। उन लड़कों को ऐसा लग रहा था कि वो जैसे अभी सोए थे। उन्होंने देखा कि सब चीज़ें उसी तरह मौजूद हैं जिस तरह वो सोए थे। कुत्ता भी उसी तरह गुफा के मुंह पर बैठा हुआ था। उनको भूख लगी तो उन्होंने अपने कुछ साथियों को सिक्के दिए कि छुप छुपा कर किसी तरह बाजार से जाकर कुछ खाना ले आए। जब ये साथी बाजार गए तो वहाँ की हर चीज़ बदली हुई नज़र आई। दुकान पर पहुँचे, खाना खरीदा। जब वो सिक्का दिया तो लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ कि ये सिक्का तो आज से 300 साल पुराना है और ये फला बादशाह के वक्त में चलता था। उस बादशाह को मरे हुए कई 100 साल हो चुके हैं। लोगों को शक होने लगा कि कहीं कोई ख़जाना तो इनको हाथ नहीं लगा है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात उस वक्त के बादशाह को पहुंच गई। ये बादशाह बहुत ईमानदार था और अल्लाह को और रोज़े क़यामत को मानता था। उसने उन लड़कों को अपने दरबार में बुलाया और सारा किस्सा सुना। बादशाह को और हाजरीन को बहुत ताज्जुब हुआ। अगले दिन बादशाह अपने दरबारियों के साथ उस गार तक गया। उन्होंने उन लड़कों को सोता हुआ देखा। उनकी आंखें खुली हुई थीं मगर जिस्म सो रहे थे। बादशाह और उनके दरबारियों पर एक वहशत तारी हो गई और वापस चले आए। ये लड़का भी जो खाना लेने आया था गार में दाखिल होते ही अपने साथियों के साथ मिलकर सो गया। बादशाह और उनके दरबारियों को और यकीन हो गया कि अल्लाह ताला बड़ी ताकत और कुदरत वाला है। मरने के बाद वो इसी तरह जिंदा करेगा जिस तरह इन गार वालों को किया है। ये लोग उसी गार में कयामत तक सोते रहेंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस वाकये से हमको बताया है कि वो अपने मानने वालों की हिफाजत करता है और जालिमों से नजात की ऐसी सूरतें पैदा कर देता है कि जो किसी इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती। हमको ये भी सबक मिलता है कि जिस शख्स में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाती है वो किसी बड़े से बड़े बादशाह से भी नहीं डरता। दोस्तों, आओ हम सब भी अल्लाह से मोहब्बत करें और यकीन पैदा करें कि हर काम उसी से होता है और जो कुछ हम दुनिया में अच्छा या बुरा काम करेंगे कयामत के रोज़ हमको इसका बदला मिलेगा।